हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं ईवे बिल के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के दिमाग के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे ईवे बिल को लेकर के, कि ईवे बिल कब बनाया जाता है, कौन बनाता है, बायर बनाता है, सेलर बनाता है, या फिर ट्रांसपोर्टर बनाता है, या फिर अगर ईवे बिल नहीं बनाएंगे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ईवे बिल बनता है तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। बस इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि ई वे बिल कौन कब बनाना मैंडेटरी होता है। तो जब आपके इनवॉइस की वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड करती है तो उस केस में हमको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। तो ये जो 50,000 की लिमिट है, ये इंडिविजुअली पर इनवॉइस है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं इस बात को। जैसे आपके पास 10 इनवॉइसेस हैं, 10 इनवॉइसेस के अंदर पर इनवॉइस वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, तो उस केस में आपको ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक सिंगल इनवॉइस भी है और उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 रुपये को, तो उस केस में आपके लिए ई वे बिल मैंडेटरी है। दोस्तों अगर हम ई वे बिल नहीं बनाएंगे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर हम बिना ई वे बिल बनाए गुड्स को रिमूव करते हैं, गुड्स का मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और अपने गुड्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू एक्सीड कर रही है 50,000 रुपीज़ को, तो उस केस में अपने गुड्स को क्या है, सीज किया जा सकता है। ठीक है, सीज करने के अलावा हम पर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो पेनल्टी की जो अमाउंट होगा वो होगा जितने वैल्यू का गुड्स है उस पर जो टैक्स पेबल निकल रहा है, CGST HGST दोनों मिला के। ठीक है, या फिर अगर IGST है तो IGST, उसके टोटल जितना इक्वल्स टू अपन को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ई वे बिल किलोमीटर का कोई क्राइटेरिया है। तो किलोमीटर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चाहे से आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो, चाहे से आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हो, आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, चाहे से आप अपने पड़ोसी को ही क्यों ना माल दे रहे हो तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतने किलोमीटर तक हमको नहीं देना पड़ेगा। आप चाहे से 1 किलोमीटर भी दो, आपको ई वे बिल मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा। ठीक है, ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है। ई वे बिल की वैलिडिटी डिपेंड करती है किलोमीटर्स के हिसाब से। जैसे आप लेस देन 100 किलोमीटर्स तक अगर मूवमेंट करते हो तो उस केस में आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी हो जाएगी 1 दिन की। अगर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, तो 2 डे की वैलिडिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे 300 किलोमीटर तक है तो 3 डेज, ऐसे 1 डे पर 100 किलोमीटर एक्सटेंड होती जाएगी ई वे बिल की वैलिडिटी। ठीक है, उसके अलावा अब दोस्तों अपन समझते हैं कि ई वे बिल किस तरीके से बनाया जाता है। दो तरीके होते हैं ई वे बिल को बनाने का। पहला, अपन इसको टेली से भी बना सकते हैं, दूसरा हम ऑनलाइन भी ई वे बिल बना सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि टेली से ई वे बिल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो टेली से ई वे बिल कैसे बनाया जाता है इसको समझने के लिए अपन टेली के अंदर एक इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो ये हमने टेली ओपन किया है, इसके अंदर हम एक इनवॉइस जनरेट कर लेंगे। तो जैसे अपन ने गुड्स स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, GDP MRP 55, यानी कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जो कि एक स्टॉक है मार्केट में, वो चलता भी है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी एंटर कर दी, क्वांटिटी 90 ले ली। उसके बाद अपन ने CGST और SGST दोनों टैक्स लगा दिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुड जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है अपना वो है 1,08,450। तो ये 50,000 को एक्सीड कर रहे हैं, तो इस केस में अपन को ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। तो ई वे बिल कैसे बनाते हैं अपन, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स, इसको अपन को यस करना है। यस करने के बाद सबसे पहले ये पूछ रहा है अपन को डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर की डिटेल के अंदर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, सप्लायर ही ट्रांसपोर्टर होता है, और कई केसेस में ट्रांसपोर्टर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, यानी कि ना तो बायर ना सेलर, कोई थर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर हो सकता है जो अपन ने अरेंज किया है। ठीक है, या फिर कई केसेस में सप्लायर खुद ही ट्रांसपोर्टर होता है। तो अपन को यहाँ पे अगर सप्लायर ही ट्रांसपोर्टर, तो उस केस में अपन को यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। जैसे डिस्टेंस, लेट्स एग्जांपल अपन मान लेते हैं 10 किलोमीटर के लिए, यहाँ पे नन ट्रांसपोर्टर नेम, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि जो सप्लायर है वही अपना ट्रांसपोर्टर भी है। व्हीकल नंबर डाल देंगे विच इज़ मैंडेटरी, रेड स्टार मार्क वाले मैंडेटरी होते हैं। तो ये अपन ने डाल दिया रेंडमली 1 मार्च। बिल फ्रॉम, यहाँ पे आता है कंसाइनर। कंसाइनर वो पर्सन होता है जो गुड्स को भेज रहा होता है, और नीचे बिल टू में आता है कंसाइनी। कंसाइनी मतलब जिस पर्सन के पास गुड्स
जा रहे होते हैं, जिसको हम डिलीवर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। डिस्पेस फ्रॉम, यहाँ पे एड्रेस आ जाता है कि कंसाइनर का क्या एड्रेस है। कंसाइनर मीन्स जनरली सप्लायर होता है जो गुड्स को भेजता है। यहाँ पे अपन को पिन कोड एंटर करना है, पिन कोड एंटर कर दिया जैसे अपन ने, तो जैसे हम बिल को एक्सेप्ट करेंगे, ये अपन से पूछेगा एक्सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर ईवे बिल्स। तो JSN नाम से एक फाइल जनरेट होगी। बेसिकली JSN एक फॉर्मेट है फाइल का, तो इस फॉर्मेट के अंदर अपन को इसको सेव करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट लोकेशन, मैं इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों ये अपना JSN फाइल रेडी हो चुका है। अब हमको इसको ईवे बिल की साइट पे, पोर्टल पे अपलोड करना रहेगा। तो वो कैसे करते हैं, देखो ये अपना ईवे बिल का पोर्टल होता है, ईवे बिल की साइट होती है, जिसका नाम है ewebill.gst.gov.in। तो इस पोर्टल पे अपन को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है खुद का। अगर आपने खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ ईवे बिल पे, तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ईवे बिल रजिस्ट्रेशन पहला ही ऑप्शन है। इसके अंदर आपको GSTN नंबर एंटर करना रहेगा अपना। GST नंबर एंटर करने के बाद जो बेसिक डिटेल्स होगी वो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, बिकॉज आपने जब GST नंबर लिया था तो वहाँ पे अपने डेटा दिया होगा, उसी डेटा से ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच करके सारा डेटा आपका ले लेगा, ठीक है। आपको सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड डालना रहेगा। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करने के बाद, जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन का ऑप्शन इधर मिल जाएगा आपको राइट साइड में। यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है और इधर आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी आप लोगों के सामने। तो आपको इधर पहले ऑप्शन में जाना है, ईवे बिल के अंदर यहाँ पे जनरेट बल्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल, जो अपन ने फाइल JSN फाइल जनरेट की थी वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद इसको जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद हमको ईवे बिल नंबर मिलेगा और ईवे बिल की डेट शो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अपन ने इनवॉइस बनाया हुआ है 1 अप्रैल में, बट ईवे बिल की डेट दिखा रहा है 26 मार्च। अपन ने 1 अप्रैल में बिल इसलिए बनाया है क्योंकि अपन टेली एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से अपन ने 1 मार्च के अंदर बिल बनाया। जनरली ये दोनों जो डेट होती है वो सेम होती है, या फिर 1 दिन का या 2 दिन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतने ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं होता, बहुत रेयरली केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने ईवे बिल अपना अपलोड हो चुका है, जनरेट हो चुका है, बस अपन को इसको प्रिंट करना है। उसके लिए ईवे बिल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करके। कॉपी करने के बाद होम में आएंगे। होम पे ईवे बिल जो पहली टैब है, इसमें लास्ट ऑप्शन है प्रिंट ईवे बिल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये अपना ईवे बिल रेडी हो चुका है दोस्तों। इसका डिटेल्ड प्रिंट ले लेंगे, जिसमें सारी डिटेल्स शो करेगा, ठीक है। तो अगर अपन से ईवे बिल, मान लो कई बार ईवे बिल को ना कैंसिल भी करना पड़ जाता है, जैसे एग्जांपल अपन को बायर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद हमने इनवॉइस रेडी कर लिया, ईवे बिल रेडी कर दिया और बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दिया बायर ने, ठीक है। तो ऑर्डर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो अब ईवे बिल को भी अपन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ईवे बिल कैंसिल कहाँ से करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है ईवे बिल, यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है कैंसिल का, कैंसिल पे क्लिक करेंगे। ईवे बिल नंबर एंटर करेंगे, नीचे अपन को रीजन सेलेक्ट करना होगा कि किस वजह से हम ईवे बिल को कैंसिल कर रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल, रिमार्क मैंडेटरी नहीं है, और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ईवे बिल कैंसिल्ड सक्सेसफुली, तो अपना ईवे बिल कैंसिल हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ऑनलाइन ईवे बिल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।